सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वाली स्टाइल। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाइएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो आज मैं आपके साथ होने वाली हूँ, गेट अनरेडी विद मी शूट करने वाली हूँ आपके साथ ये मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है, अब उसको उतारने के बारे में। लाइक सबसे ज्यादा झंझट का काम मुझे यही लगता है। सो चलो कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना हेयर बैंड को रिमूव किया है एंड यहाँ पे मैं अपने टाई करूँगी अपने सारे बालों को। सो यहाँ पे मैं सिंपली अपने बालों को क्या कर रही हूँ, बन बना रही हूँ, और बन बना के यहाँ पे मैं इसे अच्छे से क्लच कर लूँगी। एंड क्लच करने के बाद नाउ अब बारी आती है हमारे एयरिंग्स की। सो मैं यहाँ पे एयरिंग्स रिमूव कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और एयरिंग्स रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब नाउ बात आती है मेकअप की। सो मेकअप उतारने के लिए सबसे पहले होते हैं चेंज कपड़े। सो कपड़े मैंने यहाँ पे चेंज कर लिए हैं। नाउ अब आती है बारी आईलैशेस की। सो सबसे पहले हम लोग रिमूव करेंगे अपनी आईलैशेस। सो यहाँ पे मैंने अपनी आईलैशेस रिमूव कर ली है, यू कैन सी कि मेरी आईलैशेस हैं। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बारी आती है मेकअप रिमूव करने की। सो यहाँ पे मैं कोई मेकअप रिमूवर नहीं ले रही हूँ। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये एश्योर का हेयर ऑयल। सो इससे बहुत ही ईजिली जो है मेकअप रिमूव हो जाता है। सो सिंपली मैं क्या करूँगी, थोड़े से दो तीन ड्रॉप्स में लूँगी अपने हाथ पे एंड उसको मैं अपने फेस पे अच्छे से मसाज करूँगी। एंड मसाज करने के बाद उसे ईजिली रिमूव कर लूँगी एक कॉटन पैड के हाथ से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपस्टिक रिमूव करने पर मेरा फेस जो है काफ़ी रेड रेड सा हो गया है। सो बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है, आई नो, बट कोई बात नहीं, अभी ये रिमूव हो गया है पूरा। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है फेस वॉश। तो फेस वॉश के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पोंड्स का वाइटनिंग फेस वॉश। तो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है एंड ये न्यूली परचेज है मेरा। एंड ये बहुत ही अच्छे से आपके फेस में से डर्ट रिमूव कर देता है एंड जो भी एक्सेस है आपके फेस पे उस सबको रिमूव कर देता है आपकी स्किन से एंड बिल्कुल डीपली क्लींस कर देता है एंड वाइटनिंग इफेक्ट देता है। सो ये नेचुरली वाइटनिंग इफेक्ट देता है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मैंने जो है नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया अपना फेस। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्क्रब। सो स्क्रब के लिए यहाँ पे मैंने एम कॉफिन का स्क्रब लिया है। ये भी बहुत अच्छा है गाइस, इसकी फ्रेग्रेंस लाइक इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, प्योर नेचुरल कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस है इसके अंदर एंड ये बहुत ही अच्छा है। एंड इसमें बहुत ही टीनी मिनी पार्टिकल्स हैं स्क्रब के लिए। सो इसे मैं जेंटली थोड़ा सा लेके एंड अपने फेस पे फुल मसाज कर लूँगी एंड मसाज करने के बाद दो तीन मिनट के मसाज के बाद इसे वॉश कर लूँगी विद द नॉर्मल वाटर। सो उसके बाद मैं पैड ड्राई कर लूँगी विद द टॉवल एंड यू कैन सी दिस इज़ द माई फाइनल रिजल्ट। एंड नाउ यहाँ पे मैं एक शिका खाई गुलाब जल का रोज़ वाटर ले रही हूँ फॉर टोनिंग माई स्किन। सो आफ्टर टोनिंग मैं यहाँ पे ले रही हूँ एश्योर की ही फेशियल मसाज क्रीम। बट यहाँ पे मैं मसाज नहीं करूँगी, सिंपली इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड अप्लाई करने के बाद दिस इज़ माई फाइनल रिजल्ट गाइज। सो गाइज ये था मेरा फुल स्किन केयर। सो आई होप ये वाला स्किन केयर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो ये था मेरा गेट अनरेडी विद मी शूट। सो थैंक यू आप लोगों के लिए कि आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक वॉच किया। एंड प्लीज़ गाइज अगर आपने अभी यहाँ तक वॉच किया है सो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है वीडियो पे एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल क्वाली स्टाइल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो यू नोटिफाई बाय माई ऑल लेटेस्ट वीडियोज। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।